जो आज हम क्लास 7th का चैप्टर 5 की वर्कशीट नंबर 4 करते हैं, जिसका नाम है दैनिक जीवन में उदासीनीकरण, यानी दैनिक जीवन में उदासीनीकरण अभिक्रिया का क्या योगदान है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपने अधिक खाने के कारण आपके पेट में दर्द हुआ है, तो या एसिडिटी से आप पीड़ित हुए हैं, जिसको हम अम्लता बोलते हैं हिंदी में, तो आप अपने परिवार के सदस्यों से भी पूछ सकते हैं कि इसमें काफ़ी कष्टदायक क्यों होता है, हमारे अमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में अगर स्राव होने लगे तो क्या होता है। तो ज़रा सोचिए कि चींटी के काटने पर जलन क्यों होती है, या मधुमक्खी काट जाती है तो सूजन क्यों आ जाती है, जलन क्यों होती है, तो ये सब अम्ल और क्षारक के कारण ही होते हैं। तो कैसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कामयाब है हमारे दैनिक जीवन में, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपाचन। अपाचन मतलब ज़्यादा खाना खाने से वो खाना पचता नहीं है, तो हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये भोजन को पचाने में सहायता करता है, परंतु अम्ल की अत्यधिक मात्रा होने के कारण अमाशय में अपाचन हो जाता है। तो अपाचन का उपचार कैसा, साथ नीचे देखेंगे उपचार भी इसका कैसे किया जा सकता है। जब भी कभी आप ज़्यादा खा लेते हैं, आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है, तो इसके लिए आप एक उदासीन करने के लिए आपको एंटा एसिड यूज़ किया जाता है, जिसको प्रति अम्ल कहते हैं। ये एक दुर्बल क्षारक होता है, जैसे दूध या मैग्नीशियम, या जैसे आपके घर में भी देखा होगा कहते हैं कि इनो पी लो। इनो मीन्स इनो एक क्षारक है, और जो आपके पेट के अंदर एसिड बनाए तो क्षारक और अम्ल दोनों मिलके लवण और पानी बना देंगे, जो कि एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल है। इसी तरीके से सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई चींटी आपको काट जाती है, तो उसका डंक में जो फॉर्मिक अम्ल होता है वो अम्ल आपकी त्वचा में अम्लीय द्रव डाल देता है, जिसकी वजह से आपको जलन होती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो उसका उपचार भी क्या है, हम लोग क्या करते हैं कि हम अचार लगा लेते हैं या दरवाजे पर रगड़ना शुरू कर देते हैं, नहीं। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल का प्रभाव होता है, इसलिए उसको उसके ऊपर खाने का जो सोडा आपके घर में, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है कि हर घर में साबुन होता है, अगर हम कटे हुए पार्ट पर साबुन लगा लेंगे तो साबुन एक क्षारक का काम करता है, और वो कैलेमाइन जो डॉक्टर भी देते हैं, चींटी काट जाती है, मधुमक्खी ज़्यादा काट जाती है, तो कैलेमाइन नाम का एक जिंक कार्बोनेट विलयन होता है, वो भी एक उदासीन करने में हेल्प करते हैं। इससे क्या होता है, वो मृदु क्षार हो जाते हैं, मतलब जो क्षार और अम्ल मिलकर उदासीनीकरण अभिक्रिया का काम करते हैं। उसके बाद क्या होता है, मिट्टी में भी, मृदा की स्थिति में भी क्या होता है कि रासायनिक उर्वरक अत्यधिक उपयोग होने से जो मिट्टी है, मृदा है, वो अम्लीय बन जाती है। यदि मृदा अधिक अम्लीय है या अधिक क्षारीय है तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती है। तो उसको कैसे ठीक किया जाए, उसका उपचार क्या है, यदि मृदा अम्लीय होती है तो उसे बिना बुझा हुआ चूना अथवा बुझा हुआ चूना डालकर ठीक किया जा सकता है, वो जो कि क्षारक का काम करेगा। अगर मृदा क्षारीय है तो उसमें जैव पदार्थ मिलाए जाएँ, क्योंकि जैव पदार्थ के अंदर अम्ल निर्मुक्त होते हैं, जो कि उसकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देंगे। उसके बाद आता है कारखानों में जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति का होते हैं, तो जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ अगर पानी में डालेंगे, जलाशय में जाएंगे, बहने दिया जाएगा, तो मछली और अन्य जो जलीय जीव है उनका जीवन नष्ट होने लग जाएगा। तो उसका उपचार क्या कर सकते हैं कि कारखाने के जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जलाशय में विसर्जित करने से पहले अगर उनमें हम क्षारीय पदार्थ मिला दें तो वो उदासीन हो जाएंगे और जल में रहने वाले जीवों को भी नुकसान नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इनके अवांछित और नुकसानदायक जितनी भी स्थितियां हैं उन सब का उपचार भी जरूरी है, और उनका उपचार हम साइंटिफिक तरीके से करके अपने आप को सही रख सकते हैं। आप इस वर्कशीट के माध्यम से आप ये क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करें। नाउ द वर्कशीट फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, नाउ द टुडेज टॉपिक इज न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ। हैव यू एवर सफर्ड बाई एसिडिटी कॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग? You can also discuss it with your family members. It is very painful conditions that is caused due to excessive release of acid in our stomach. You know very well, our stomach contains hydrochloric acid, and if more acid will be there, then it becomes more painful. Now, acids, let us think of what causes burning sensation on ants sting. These are all due to either some kind of the acid or base. Now, let's see. There are the few things. First one is ingestions. Some problems which are due to excessive acidic or excessive bases in our body or in our environment. First one is indigestion. Our stomach contains hydrochloric acid and it helps us to digest food. But too much of the acid in the stomach causes indigestion. Then how can we make the treatment of indigestion? This is the treatment of indigestion. To neutralize the effect of acids, excessive acids due to indigestion, we take an antacid.
एंड दिस एंटी एसिड इज ए माइल्ड बेस सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनो बेकिंग सोडा यू कैन टेक एनी वन एंड यू कैन ऑल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सेकेंड इज वेन आर्नस्टिंग कंटेन ऑल्सो एसिडिक फॉर्मिक एसिड. When ant sting ant bites, it injects the acidic liquid into the skin and it causes burning in the skin. Then what is the treatment of the ant sting? The effect of formic acid due to the ant sting is neutralized by rubbing moist baking soda on the cutted part or sodium hydrogen carbonate or calamine solution which contain the solution of zinc carbonate, and these are the mild bases. Now the next daily life neutralization reactions also we can see in the soil condition. Excessive use of the chemical fertilizations makes the soil acidic and plants do not grow well when the soil is either too acidic or too basic. Then what is the treatment of the soil treatment? If the soil is acidic, then it is treated with the base like quick lime calcium oxide or the slaked lime calcium hydroxide. If the soil is basic in nature, then organic matter is the best perfect one because it contain or it releases acids which neutralize the basic nature of the soil. Now the next one is the factory waste. Now factory waste also contain acids, and if they are allowed to flow into the water bodies, the acid will kill fish and other water organisms. Then what is the treatment of this factory waste? Factory waste are neutralized by adding bases substances before releasing in the water, so that no water animal is killed by the acid present in the factory waste. I hope you understand the concept of neutralization in everyday life. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.